देख सकते हैं अजहन चलो इतनी मुश्किल से सोए, आज पूरा दिन नहीं सो, अभी अल्लाह करके सोए हैं। आज आज इनकी नानों ने इनको सुरमा लगाया है। चले जी चलते हैं। मैं जा रही हूँ अपने पोर्शन में और असर की नमाज अजान हो चुकी है और मोहम्मद मुझसे पहले ही जा चुके हैं जी। चाबी और मोहम्मद मुझसे चाबी मांग रहे थे, फिर जूते वाला पहन के नीचे जा रहे हैं और मैं इनको दे रही हूँ चाबी ताकि मोहम्मद डोर अनलॉक करें, क्योंकि दरवाज़ा बंद नहीं करी। चलिए जी, मोहम्मद ने ले ली मुझसे चाबी और जा रहे हैं दरवाज़ा ओपन करने अपना डोर। चलिए जी देखते हैं मोहम्मद की फिगर में अपना डोर ओपन कर पाते हैं। जी देखिए मोहम्मद अपना डोर ओपन कर रहे हैं। अब रोएंगे, जिद करेंगे, इतनी देर तक ये करते रहेंगे, इतनी देर तक मुझे बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। चलेंगे देखते हैं कितनी देर हम रूम में एंटर होते हैं। देखते हैं सभी तक मोहम्मद ने डोर ओपन नहीं किया, मुझे बाहर खड़ा करके खुद आराम से मज़े से यहाँ पर गए खड़े हुए हैं, ना खोल रहे ना मुझे खोलने दे रहे हैं। तो सारा खुला नहीं है, पहले दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है मैंने जैसे खोल लिया है। लोग खोली दिया मोहम्मद, खुली दिया मम्मा, खोले लिया खोला चाबी। मेरी वन कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो जुम्मा आप सबको जुम्मा बहुत मुबारक हो। वैसे तो असर हो चुकी है, मतलब दूसरा दिन लग चुका है, कहते हैं असर के बाद दिन चेंज हो जाता है इस्लामी हिसाब से। तो चलें जी, फाइनली मोहम्मद ने डोर ओपन कर लिया, मैं रूम में आ चुकी हूँ और नमाज के बाद इनके पापा गए हैं। इनके पापा आज इन्हें लाइट वगैरह का सेट वगैरह कर रहे थे, रात में हम लोग नए पंखा वगैरह लेके आए तो पहले छोटा फ़ैन लगा हुआ था, इनके पापा ने कहा गर्मी बहुत ज़्यादा है बच्चों का, हवा नहीं लगती हो इसलिए दूसरे फ़ैन लेके, पर ये सारा सिस्टम वगैरह कर रहे थे इन्होंने, दूसरा अपना पूरा सिस्टम वगैरह करके दिया। आपको परेशानी नहीं होगी, गर्मी भी कम लगेगी इंशाल्लाह, गर्मी बहुत है ना, तो इसलिए इनके पापा ने सारा मुझे सिस्टम सेट करके दे दिया। और अजान चलो को मैंने पहले सुला दिया जैसे कि आपने पहले देख लिया है, और अभी मैं जाऊंगी अब जल्दी से किचन में और आज मैं बनाऊंगी चने आलू का पुलाव। तो चने मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिए थे। चलिए जी चलते हैं हम किचन में, हमको इसमें से कुछ चाहिए। ये मेरी इसका हाल बच्चों ने क्या करके रखा हुआ है, जो चीज़ खपे थी ना वही डापाया। तो जी हटो जल्दी से हटो। चले जी, मोहम्मद को जो चीज़ चाहिए थी मोहम्मद को मिल गई है और इनका कंप्यूटर में प्ले करती हूँ ताकि बच्चे आराम से बैठकर अपना कंप्यूटर एंजॉय करे, और मैं जाके जल्दी से अपने खाना बना लूँ क्योंकि गैस वही हमारे 9 बजे चली जाती है और इस टाइम हो रहे हैं 6, और जल्दी बनाना होता है क्योंकि फिर कमरा भी गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए जल्दी हमें काम अपने निपटाने होते हैं और साथ में अजान चना बहुत तंग करते हैं। मैं इस टाइम आ चुकी हूँ किचन में और मैं आज बनाने वाली हूँ चने आलू का पुलाव। तो इसके लिए मैंने 2 अदद आलू ले लिए, अब इनको वॉश करके कट करूँगी, साथ में मैंने 2 अदद टमाटर लिए हुए, ये प्याज लिए, मैं इसके प्याज सलाद के लिए रखूँगी और ये उसके लिए पुलाव में डालूँगी, और कुछ हरी मिर्चें हैं मेरे पास और चने मैंने पहले बॉईल करके रख दिए थे। मैं क्या करती हूँ चने एक साथ लेके बॉईल करके शोपरा बना के रख देती हूँ, फिर अपने हिसाब के जितना मुझे चाहिए तो मैं ले लेती हूँ। हरी मिर्चें हैं और लहसुन नहीं है, लहसुन अभी मैं यहाँ से उठा लेती हूँ। तो चलें जी, मैंने लहसुन भी ले लिया है और रात में गई थी अपने हस्बैंड जी के साथ बाज़ार, हम लोग जा रहे थे किसी और काम के लिए, तो बाज़ार हमें नज़र लगा हुआ नज़र आया तो हमने वहाँ से जाके धनिया पुदीना ले लिया फ्रेश था, अभी मैं इनको साफ़ करूँगी और ये प्याज वगैरह कट करके जल्दी से चने आलू का पुलाव बनाती हूँ, फिर रायता वाला बना लूँगी और सलाद बना लूँगी, प्याज कट कर लूँगी। खीरे नहीं मिले थे, खीरे थे वो अजीब से बेकार से थे, इसलिए हस्बैंड जी ने कहा नहीं ये खाएंगे तो पेट दिन मजे ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए हमने वाले खीरे नहीं लिए। चलिए जी जल्दी से अपनी सब्जियाँ वगैरह कट करती हूँ और खाने बनाने की तैयारी करती हूँ, और साथ में मोहम्मद को भी इनका मसला हल कर देती हूँ, इनका कंप्यूटर प्ले नहीं हुआ तो चल के इनका मसला हल करते हैं, इनके कॉफ़ी में उनके कॉट और इनके लिए प्ले कर दिए, और साथ में मोहम्मद वही अपने बर्तन वगैरह उठा के आ गए बाहर। तो चलें जी, मैं इनको इस तरह बिज़ी और भी जल्दी से अपने किचन में जाकर जल्दी से अपने खाने बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। और चावल जाने से पहले हस्बैंड जी देखे गए तो यहीं रखे हुए, मुझे नज़र नहीं है अभी, मैं देखे चावल तो यहाँ मैं चावल भी रख देती हूँ और जल्दी से अपने खाने बनाने की तैयारी करती हूँ। चावलों को मैं पहले भिगो देती हूँ तो वैसे साफ़ सुथरा चावल। चलें जी चलते हैं बाहर की तरफ चलते हैं और देखते हैं, अभी मैंने बाहर नहीं देखा बाहर का मौसम कैसा हो रहा है, और अभी मुझे कपड़े वगैरह भी उठाने हैं, कपड़े वगैरह आई थिंक सूख चुके होंगे सारे, देखो कपड़े फैलाए हुए हैं सारे सूख रहे हैं, और यहाँ देखिए बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, माशाल्लाह से दोनों भाई मेरे सामने खड़े हुए हैं
और अभी धूप हो रही है और अभी तकरीबन 6:05 हो रहे हैं, 5 मिनट के साथ में। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करनी है, मेरे कज़न की छोटी सी बेटी उम्मा खौला, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो ICU में बच्ची एडमिट है, तो आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उम्मा खौला को जल्द से जल्द सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खैर आफियत के साथ अपने घर आ जाए। इनकी दादी बहुत परेशान है, इनकी मम्मी पापा बहुत परेशान हैं, बस वो बच्ची जल्दी से सेहतयाब होकर घर आ जाए, यही दुआ करें आप सब लोग भी। और अल्लाह पाक हर माँ की गोद हरी रखे, अल्लाह पाक उम्मा खौला को भी लंबी ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे। जिन माँ के जो बच्चे भी हुए, अल्लाह पाक उन माँ के बच्चे भी सेहत कर दे, उनके सदके अल्लाह पाक मेरे बच्चों को भी खैर अता फरमाए, मेरे बच्चों को अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे। मोहम्मद मोहम्मद इस तरह करते हैं, बस आप लोगों से जो है रिक्वेस्ट कि उम्मा खौला जल्द से जल्द खैरियत से अपने घर पर आ जाएँ। आंटी मेरी बहुत परेशान है, उनके मम्मी पापा भी बहुत डिस्टर्ब हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मगरब की अजानें हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी है, कितना अच्छा, कितना प्यारा और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एक तो ये ब्लॉग बनाना तो लोग देखना शुरू हो जाते हैं, मोबाइल को बाहर निकाला हुआ है। तो चलें जी, यहाँ पर मगरब की अजानें हो रही हैं, चलें जी चलते हैं रूम में। सूरज ग्रुप हो चुका है और बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, मैं फ्लैट ही नहीं लेट ऑन हो गई, और चलें जी चलते हैं रूम में। और मोमो यहाँ पर बैठा है, मोमो अभी ऊपर गए थे, बहुत ज़ोर से गिर गए, ये पूरा अपने आप फ्राई पैन ऊपर लेकर गए थे, धनिया पत्ती ने जो साफ़ किया ना इसका कचरा लेके घूम रहे हैं जनाब। तो चलें जी चलते हैं किचन में, और यहाँ पर धनिया पत्ती ने ये साफ़ करके रखा है, ये मैं इसमें डालूँगी। और यहाँ पर चटनी बना रही हूँ, प्याज मैंने पहले कट करके इस तरह पानी में भिगो दी है, और चावल मैंने पहले भिगो के रख दिए यहाँ पर वॉश करके, और आलू भी गल चुके हैं, और अब मैं इसमें चावल डालने वाली हूँ। आज मैंने हल्दी नहीं ऐड की, बगैर हल्दी का बना रही हूँ, सिर्फ लाल मिर्ची वगैरह ऐड की हैं, और आलू गल चुके हैं, छोले मैंने पहले बॉयल रखे हुए थे। तो चले जी, मैं चले से पहले चावल ऐड कर देती हूँ। ओके बस चावल वॉश करके रखे थे, चावल मैं ऐड कर रही हूँ, और साथ में जो ये इसमें ला करके हमने चावल ऐड कर दिए, और साथ में जो धनिया पुदीना और मिर्च वगैरह कट करके रखे वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से मैं जितना होगा, मेरे हस्बैंड कम नमक मिर्च लेना पसंद करते हैं, इसलिए कम लाइट मिर्चों का मैं बनाती हूँ। और साथ में मोहम्मद यानी पीछे आ चुके हैं, अभी बहुत ज़ोर से गिर गए मेरे बेटे, बस ये थोड़े से चावल लगे ये भी मैं साफ करके डालती हूँ। और गैस चल रहा है जी, चल रहा है, धनिया पौधे में बच्चा वाली भी जल्दी से मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मगरब की नमाज अजानें हो चुकी हैं, मुझे मगरब की नमाज़ अदा करनी है, और मैं ऊपर गई थी तो अजान जाना उठ गए थे, इनकी खालाइन को खालाइन को झूला दे रही थी। चलिए जी, मैं जल्दी से नमक ऐड करती हूँ और जल्दी से रायता बना के नमाज अदा करती हूँ। रायता बन चुका है, और मैं नमक को ठंडे पानी में नमक और इसमें एक कप पानी लिया था, इसमें थोड़ा सा नमक, इसमें मैं प्याज ऐड करती थी, इसमें मैं नमक वाले पानी प्याज छोड़ दी थी, धनिया पुदीना इसमें डालना भूल के जल्दी जल्दी मैं कर दूँ काम, क्योंकि आसान से उठ चुके हैं नानी के घर पर। और यहाँ पर रायता बना लिया मैंने, प्याज कट कर लिया, खीरा नहीं अभी मेरे पास मौजूद, और चावल में बस दम आने वाले हैं, मुझे ऑयल कम लगा था इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दिया, और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके चावलों को रखती हूँ दम पर। धनिया पुदीना फ्रेश है, मैंने डाला भी ज़्यादा है तो इसकी अच्छी से खुशबू आ रही है। चलें जी, हम इसको चावलों को लगा देते हैं दम, और फटाफट से वज़ू कर रही, अब जल्दी से नमाज अदा करने जा रही हूँ, अगर टाइम हुआ तो मेरी शाउट करके दिखाऊंगी। तो चलें जी चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और मोहम्मद देख रहे हैं फिर से अपना वही कमरा वगैरह फैला के बैठे वाला, अल्हम्दुलिल्लाह गाइस चावल आ चुके हैं दम पर, देख सकते हैं धुआं भी निकल रहा है, वाइट चना पुलाव बनाया हुआ है, और चले जी हम डिश आउट करके दिखाती हूँ, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, पूरे मेरा घर खुशबू से महक रहा है। चले जी हम चूल्हा पहले बंद करते हैं, और मेरे दोनों बच्चे नहीं हैं, दोनों ऊपर जा चुके हैं, अजान भी अभी नीचे आए थे, फिर मोहम्मद अजान दोनों चले गए, अजान अपनी गाड़ी पे लेके चले गए, और इनके कार्टून वैसे ही चल रहे हैं। गाइस मेरा आज का वाइट चना पुलाव हो चुका है रेडी, गर्मा गर्म मज़ेदार, सब जैसे हस्बैंड जाएंगे मैं दस्तखान लगाऊंगी, हम लोग खाना खाएंगे, और वही मैंने घर के जो सिंपल मसाले तो वही मैंने यूज़ किए थे, क्योंकि मेरा बच्चा मुझे बहुत तंग कर रहा था, मुझे काम भी करना था, और इसलिए मैंने जल्दी इसकी रेसिपी नहीं दी, बस वही नॉर्मली जो होती है वही मैं शुक्र मसाला नहीं ऐड करती, आपको पता है, और हल्दी भी ऐड नहीं की, इंशाल्लाह पूरा कभी आपके सामने बना के भी दिखाऊंगी। तो चलिए जी, हमारा वाइट सिंपल चना पुलाव हो चुका है रेडी, चना पुलाव चना आलू, और मैंने साथ में रायता भी रेडी किया था, और प्याज भी। ओके गाइस,
अभी मैं जा रही हूँ ऊपर मम्मी के पोर्शन में और चल के देखती हूँ मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर मम्मी के पोर्शन में गए हैं, मम्मी को भी तंग कर रहे हैं, तो मम्मी को भी रोटी बनाने का टाइम है। चलें जी, फिर जैसे हस्बैंड जाते हैं हम लोग खाना खा के, फिर रोज़ाना हम लोग जाते हैं, पापा हमें लेके जाते हैं बाहर, आउटिंग वगैरह भी हो जाती है, और बच्चे आइसक्रीम वगैरह भी खा लेते हैं, खुश हो जाते हैं, मैं अपने घर के लिए आती हूँ। तो इसी तरह चले जी हमारा दिन गुजर जाता है, क्योंकि पूरा दिन के पापा कहते हैं बच्चे घर में रहते हैं, तो शाम के टाइम थोड़ी बहुत आउटिंग होनी चाहिए, वैसे भी गर्मी है, दिन बहुत लंबे हैं। तो इसी हिसाब से ओके गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मिल चलते हैं जी, चलते हैं मम्मी के पोर्शन में, देखते हैं मम्मी के पोर्शन में क्या हो रहा है। वैसे मैं मुझे कपड़े वगैरह उठाने जो मैंने फैलाए हुए थे, बस मैं जा रही हूँ तो मम्मी के पोर्शन में, देखते हैं मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, और नीचे फुल आवाज में सॉन्ग चल रहे हैं। चलो जी, हम जा रहे हैं मम्मी के पोर्शन में, बस जी हम आ गए मम्मी के घर में, और मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं देखते हैं। सीधा से बोला क्या कह रहे थे, दो लंबी लगे चलते।